नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार झारखंड के सबसे बड़े YouTube न्यूज चैनल LiveCities.in में। महागठबंधन में सीट शेयरिंग के बाद जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार का एक ट्वीट आता है जिसमें कि वो महागठबंधन पर आरोप लगाते हैं कि महागठबंधन ने आपराधिक छवि वाले लोगों के परिवारों को टिकट दिया है। इसके ठीक बाद NDA की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और NDA जो है वो बिहार की 39 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करती है। उम्मीदवारों की लिस्ट आने के बाद राजद नेता विजय प्रकाश ने क्या कुछ कहा है, पहले आपको हम सुना देते हैं। देखिए, नीरज कुमार का चर्चा करके क्यों उसको जो है ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, और उससे लोग जो है डगरा का बैगन है उसी तरह से घुड़कते रहता है, बोलते रहता है, उसका कोई वजूद नहीं, उसको कोई अहमियत लोग नहीं दिया करते हैं। नहीं, नीरज कुमार ने ये आरोप लगाया है कि RJD जो है वो अभियुक्तों के और आरोपियों के परिवार वालों को टिकट दे रहे हैं। नीरज कुमार कौन दूध का धोया हुआ है जो दूसरे के बारे में, उनके पार्टी में तो सब जो है चोरी लुचा अजय मंडल भागलपुर से क्या है बता दीजिए, बता देने का काम करें। सूरज भान के भाई को दिया गया टिकट, वह कौन है? और खुद अमित शाह जी वह कौन है ये बताने का काम करें। इसलिए ऐसे लोगों को क्यों जो है, कविता देवी को क्यों दिया गया टिकट, वह किसके पत्नी है ये बताइए कि वह क्रिमिनल की पत्नी है कि नहीं है? कविता देवी JDU की है, कविता देवी क्रिमिनल की पत्नी है कि नहीं ये हमें बताने का काम करें। इसलिए जो व्यक्ति खुद जो है चलनी की तरह खोखला है, वह जो है सूप को दूसने का काम करता है। तो ये थे राजद नेता विजय प्रकाश, इन्होंने सीधे सीधे ये बात कही है कि NDA की जो ये 39 उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी हुई है इसमें से उन्होंने भागलपुर से अजय मंडल, नवादा से सूरजभान सिंह के छोटे भाई चंदन कुमार, सिवान से कविता सिंह जो कि अजय सिंह की पत्नी हैं, इन लोगों के नाम गिना दिए। जब उनसे पूछा गया कि आपराधिक छवि के बारे में क्या कहेंगे ऐसे लोग सत्ता में आते हैं, तो इन्होंने कहा, नीरज कुमार पर सीधे सीधे इन्होंने ये बात कही है कि जो लोग खुद चलनी का काम करते हैं वो सूप की ओर इशारा ना करें। फिलहाल देश दुनिया बिहार की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप LiveCities.in के साथ बने रहें। धन्यवाद।